बहुत ही दिल दहलाने वाली, बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही हार्ट रेंचिंग मूवी है। और सुदीप्तो सेन को डायरेक्शन बहुत अच्छा है और बहुत ही रॉ है, रियलिस्टिक है, रिलेटेबल है, बहुत रिलेट कर पाएंगे आप। और उसके साथ साथ जो सीन है बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं, बहुत ही शॉकिंग है। इसमें चार प्रोटैगनिस्ट हैं लड़कियाँ, आदा शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया, बहुत ही सच्चाई से, कहीं भी ओवर द टॉप नहीं, कोई भी ऐसा यू नो बहुत ही सटल और सेंसिटिव पोर्ट्रेयल है। और उसके साथ योगिता बिहानी है, सोनिया बलानी है, उनका भी रोल बहुत अच्छा है, सिद्धि इदनानी, सबके रोल्स बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ साथ एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, 2.25 घंटे की मूवी है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया। और जो मुद्दा है, जो रियलिटी है, वो दिखाई गई कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, कि ह्यूमैनिटी इज़ बियॉन्ड रिलीजन, तो वो ये मूवी में दिखाया गया। आप एक ओपन माइंड से देखिए कि हमारा एक सेकुलर देश है, हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं, और यही वो मूवी का स्ट्रांग मैसेज है। तो जो भी प्रोपेगेंडा वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करें, वो मतलब देखिए और मूवी को ओपन माइंड से देखिए। 3.5 अदा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ही उन्होंने इंटेंस रोल था और गमट ऑफ इमोशंस, पहले व्हेन शी मतलब द वे शी पोर्ट्रेस ऑफ वनरेबिलिटीज, इनसिक्योरिटीज, अपनी गलेबिलिटी, कि कैसे वो ट्रस्ट करती हैं एक बंदे को और कैसे व्हाट इट लीड्स टू, तो वो सब जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया है हर इमोशन, पहले डिनायल कि उनके साथ ये हुआ है, फिर डिप्रेशन, फिर उसके साथ साथ एंगर, फिर साफ लास्ट में एक्सेप्टेंस, बट वो इन द इन ऑल दोज फेजेस हाउ शी कम्स आउट एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो भी दिखाया गया है। थैंक यू। तो कैसी लगी ये पिक्चर? बहुत ही मतलब ये स्टोरी ऐसा है जिसको पूरी दुनिया को नहीं पता था। तो मुझे ये सिर्फ पिक्चर देखने के बाद एक चीज़ कहना है कि ये इंडिया में जितनी भी, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लड़की लोग हैं, वो पिक्चर ये ज़रूर देखे, जो केरल में जो रियलिटी जो हुआ है, जो आज तक इतने सालों से किसी को नहीं पता था कि केरल में इतना बड़ा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लड़की लोग के साथ इतना गलत काम कर रहा है, उन लोग का कन्वर्जन करके उन लोग को ईरान भेज के उन लोग के साथ रेप्स होते हैं, बहुत से गलत चीज़ होते हैं। तो ये फिल्म के ज़रिए हम लोग को पता चला आज, तो बहुत ही गलत हो रहा है। और जैसे कि 50,000 लड़की लोग इंडिया से अभी भी गायब है, वो पता नहीं कहाँ गए हैं, ये पिक्चर देखने के बाद अभी पता चला हम लोग को। थैंक यू सो मच। अच्छी बात करनी उनको। सर कैसी लगी? बहुत ही अच्छी मूवी है, मुझे लगता है कि शॉकिंग, जो लोग सोच रहे थे कि किस प्रकार से लड़कियों के साथ किया जाता है, हम लोग सोचते हैं कि बस सिर्फ एक ऐसा ही कुछ मजाक हो रहा है, लेकिन रियली बहुत अच्छी मूवी है। स्क्रीन प्ले, गॉड एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक वाकई से अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त, और आदा शर्मा ने तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। कोई एक बात काफ़ी कुछ सोचने वाली हो, एक अलग सोचने, हमें क्या, हमारे समाज को सोचने वाली बात है इसमें, और जो हम सुनते हैं और बहुत कुछ तो हम अपने आसपास देखते हैं, जो बीतता है वही चीज़ इसमें दिखाया गया है मूवी में। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि एक बार देखना चाहिए लोगों को, और सभी को आके सपोर्ट करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को, देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता जो है फैले, वो जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है लोगों में। थैंक यू। कैसी लगी केरला स्टोरी? वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देखने जाए तो अपने हिंदू के लिए एक स्टंट है ये, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जो वेरी इमोशनल, इमोशनली से कि इसमें ये सिखाया गया कि लड़कियों पे बहुत अत्याचार हुआ है ये सब चीज़ों के लिए, और रही बात कि हिंदू लड़कियों पे तो और ही हुआ है, तो ये सब चीज़ ना ये है कि हमको सीखना चाहिए, लड़कियों को भी समझना चाहिए कि ये सब मतलब प्रोपागंडा में ना आए, और आगे भी कुछ अच्छा मतलब सीखे, और ये सब प्रोपागंडा में मतलब यूज़ ना हो उन लोगों का। केरला को लेके थी, क्या लगता है, रियलिस्टिक को बताइए? रियलिटी स्टोरी है ये रियलिटी स्टोरी है, और सच में रियलिटी है, अभी भी चल रहा है ऐसा। 5 में से कितना स्टार्स दोगे? अदा खान और दूसरी जो महिला थी इस मूवी में, उन लोग की एक्टिंग को कितना स्टार्स दोगे? हाँ, एक्टिंग से ज़्यादा देखने जाए तो एक्टिंग तो सभी लोगों की किरदार अच्छे है, डायरेक्शन 5 स्टार तो देना चाहिए, और अच्छी मूवी के लिए अच्छा मतलब लोग आप भी आओ और देखो, बहुत अच्छी मूवी। फाइनली जो ये पिक्चर था द केरला स्टोरी, जो है रियलिटी रियल बेस्ड पिक्चर है, और इसको देखने के लिए सभी को आना चाहिए। और एक एजेंडा तो नहीं कह सकते कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश या ऐसा कुछ, बट अगर रियलिटी में, अगर केरला में ऐसा कुछ हो रहा है, तो केरला गवर्नमेंट को, खैर 10 साल में अगर 32,000 पीपल्स को अगर कन्वर्ट किया गया है, तो एक कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो
गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में और सख्त से सख्त कदम उठाना जाना चाहिए। डायरेक्शन वाइज कैसी थी? डायरेक्शंस भी बहुत अच्छे थे, लोकेशंस भी बहुत अच्छे थे, सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2 से 2.5 घंटे तक स्क्रीन से नज़र नहीं हटा किसी का भी, एकदम रियलिटी। जैसे एक अपना इससे पहले जो आया था ना द कश्मीर फाइल्स, सेम वही थॉट प्रोसेस जो था एक माइंड में और चीज़ें जो चल रही थी, मतलब बहुत अजीब है यार। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो लिटरली मतलब नहीं होना चाहिए। अगर चाहे लड़की हिंदू कोई हो चाहे लड़की मुसलमान की, बात ये नहीं है। बात उसमें कुछ चीज़ें सेक्स से भी रिलेटेड दिखाया गया है, जो अगर रियलिटी में अगर ऐसा कुछ है तो ये नहीं होना चाहिए। केरला गवर्नमेंट को इसके खिलाफ सख्त से सख्त। बहुत बहुत धन्यवाद। यस ब्रदर, कैसी लगी आपको? सर मूवी बहुत सही लगी, सर मूवी बहुत सही लगी और रियलिटी के बेसिक पे मूवी बनाया गया, स्टोरी बहुत सही थी सर, एक नंबर मूवी। रियलिस्टिक वाइज कितनी सच्चाई बताई गई है, एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या कुछ कहना चाहोगे? डायरेक्शन वाइज कैसी थी? सर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन एक नंबर थी, जो एक्टिंग थी सर बहुत अच्छी गई और मूवी रियलिटी बेसिक पे ही दिखाई गई है तो बहुत सही है सर। आज की ऑडियंस को इस तरह की मूवी दिखाना कितना सही हो जाता है? सर अभी के जनरेशन में जो चल रहा है तो ये दिखाना बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि मूवी पूरा फुल रियलिटी है, एक कहानी है जो कि सेक्स रिलेटेड है, ऐसा ऐसा हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है, ये सर एक नंबर है सर। 5 में से कितना स्टार दोगे? सर 5 में 5 सर, 5 में से 5 सर, एकदम एक्टिंग वाइज अदा की एक्टिंग कैसी? सर बहुत अच्छी। थैंक यू सर। मैडम कैसी लगी? सर फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ही मतलब अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म आनी चाहिए थी, एक्चुअली देखना चाहिए था, क्योंकि हम जैसे लोगों को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है केरला का, ये भी एक मतलब इतिहास रहा है या अभी भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। अब जाके पता चला कि अच्छा ये भी है, और अगर देखा जाए तो फिल्म में जितने भी किरदार हैं उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक लड़की की ज़िंदगी वो जी रहे। थोड़ा सा रियलिस्टिक वाइज कितना रियल लग रहा था? बहुत बहुत रियल लग रहा था। एक्टिंग अदा से बहुत अच्छी की है, इवन अदा नहीं जितनी भी लड़कियां उसमें काम कर रही हैं उन सब ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। कृष्णा लड़की का कैरेक्टर था, उसने जो मैसेज कन्वे किया है वो बहुत अच्छे से किया है, मतलब उसने वो आंकड़े बताना और वो सब बहुत अच्छे से बताया। इवन मैंने थोड़ा ये भी देखा कि इसमें पुलिस ने मतलब कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, वो नेगेटिव नहीं है, कानून के दायरे से हटके तो कुछ नहीं कर सकते, बट मेरा मानना ये अगर ISI जैसे लोग कानून के दायरे से हटके काम कर रहे हैं वो तो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उनको जवाब देने के लिए तो हमें कुछ भी करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को या पुलिस को कई बार आउट ऑफ द वे जाके भी काम करने चाहिए, जरूरी नहीं है हर चीज में यही है। सबसे बड़ी सीख क्या थी इस मूवी से? सबसे बड़ी सीख ये थी कि किसी भी चीज़ को, नॉट ओनली रिलीजन, किसी भी चीज़ को अपने आप पे इतना हावी मत होने दो कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा पाए। अगर देखा जाए तो उसमें लड़कियों ने भी गलत किया है, मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने गलत इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने मतलब अपने आप को इतना सरेंडर कैसे कर दिया, इतना सरेंडर करना ही नहीं चाहिए था। तो वो चीज़ मेरे मानना है यंगस्टर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सोशल मीडिया के दौर पे कितना इम्पैक्ट लाएगी ये मूवी? सर बहुत इम्पैक्ट लाएगी, क्योंकि एक्चुअली लोगों को पता लगना चाहिए, और ये मूवी नहीं है कहानी है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। राइट। 5 बजे कितना स्टार डायरेक्शन वाइज दोगे? डायरेक्शन वाइज 4। एंड कास्ट को? अदा एंड स्पेशल मैं पूरी फिल्म को 5 स्टार दूंगी, क्योंकि सबने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सर कैसी लगी आपको? पिक्चर है ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल पिक्चर है, इसमें बहुत सारे डायलॉग कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, इसमें हिंदू धर्म की भी बुराई की गई है, एक्चुअली कोई धर्म दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता है, वो गलत है। और जैन एक डायलॉग अच्छा है उसमें, जैन में जहर डालते हैं मजहब के नाम से, वो गलत। एक्चुअली ये पेरेंट्स के लिए जो है आईना है कि अपने बच्चे को संभालना चाहिए, जो कॉलेज में जाते हैं ऐसे खतरों से दूर रहना चाहिए। ये इस पर वाकई में पिक्चर ये सीखने लायक है, सीख लेना चाहिए इससे बच्चों ने, जो आज के यंग जमाने के लड़के लड़कियाँ हैं उन्होंने इससे सबक लेना चाहिए। मैम आप क्या? सिर्फ अपनी भावनाओं पे मत जाओ, दिमाग से काम लो, सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से काम लेके अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है, अपन जो पैर रखने वाले हैं या जो कदम रखने वाले हैं उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, ये थोड़ा सोचो। एकदम से कोई किसी के बहकावे में मत आ जाओ, जिससे हमारा ही नुकसान होगा। आजकल के बच्चे जो है अपने माँ बाप से बहुत छुपाते हैं, अपने माँ बाप को एज ए अपना फ्रेंड समझ के सब उनसे बातचीत करो तो कुछ
सही सबक मिल पाएगा बच्चों को। गवर्नमेंट से कुछ मांग रहे हैं? गवर्नमेंट से मांग रहे हैं इस पर मुझे, मैंने देखा था आमदार नितेश राणे ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की डिमांड करी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। मैं माननीय सुधीर भाव मुंगंडीवा से भी निवेदन करूंगा कि इसको टैक्स फ्री किया जाए जल्द से जल्द, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिक्चर देख सकें। एक आखिरी सवाल, कितना रियलिस्टिक लगता है हम आज सोशल मीडिया के दौर पे इस तरह की पिक्चर आना यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट हो गया? बिल्कुल, हम तो रोज के रोज टीवी पे एक न्यूज़ तो सिर्फ हमारे लिए तो एक ही एग्जाम्पल रहता है जो टीवी पे दिखता है, जो टीवी के पीछे भी हमारे आजू बाजू में समाज में क्या हो रहा है इसका तो हम कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि हम इतना डीप में नहीं जाते हैं। हमको लगता है हम हैं, हमारी फैमिली है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नेबर्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा देखते नहीं है और समझते नहीं हैं क्या हमारे आजू बाजू में चल रहा है, वो सब यहाँ पता चलता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर हर स्कूल में फ्री में दिखाई जाए, ये बच्चों को कम से कम 7वीं 8वीं के बाद के बच्चे 12वीं तक के सबको ये स्कूल में फ्री में दिखाई जाए, ताकि इससे बच्चे कुछ सबक ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत मार्मिक स्टोरी है, इतनी दर्दनाक स्टोरी है ना कि शब्दों में बयान मुश्किल है। एक्टिंग वाइज हीरोइन ने जो एक्टिंग की है बहुत अच्छी है। ISIS में जो आतंकवादी है उन लोगों की एक्टिंग भी देखिए, कह के वो कलाकार है, रियल में तो आतंकवादी है नहीं, और उन्होंने ये एक्टिंग की तो वो बहुत अच्छी की है। कोर्ट तक पहुंची ये मूवी, क्या लगता है किन सारे टॉपिक्स पे हिट की है? कोर्ट पर तो देखिए अब पॉलिटिक्स का क्या है पता नहीं चलता है, बाकी ये पिक्चर में आपको न्यू जनरेशन को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और इन भोलेपन का शिकार जो लड़कियां होती है उनको सबक लेना चाहिए। कितना रियलिस्टिक लग रहा था बड़े बड़े? रियलिस्टिक कुछ तो है, ये कोई सपने में साकार होके कोई पिक्चर तो बनता नहीं है, कुछ ना कुछ रियलिटी है। काहे कि एक और लड़की है मैथ्यू करके, वो सब पुलिस स्टेशन में जब FIR लिखाने जाती है तो सब बोलती है, तो वो आंकड़े जो बोलती है वो अपने कहीं ना कहीं तो है तभी बोलती है। बच्चों को भी ध्यान दिलाना है कि किसी के बातों में मत आओ, अपना दिमाग चलाओ। फिल्म तो झकझोर के रख दिया, काफ़ी हार्ड हिटिंग फिल्म थी, सबका परफॉर्मेंसेस जो थे सबके परफॉर्मेंसेस बहुत टॉप नॉच थे। सुदीप्त सेन का डायरेक्शन इतना क्रिस्प है, इतना टाइट है कि आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म वीक पड़ रही है। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा विपुल अमृतलाल शाह जी को कि इतने सेंसिटिव टॉपिक पर एक फिल्म बनाने की इतने प्रीमियम प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हिम्मत दिखाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विपुल सर एंड सुदीप्त सेन जी, आपका डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। अदा शर्मा जी, आपका परफॉर्मेंस वॉज टॉप नॉच, मतलब आपने जिस टाइप से केरलाइट लड़की के मैनरिज्म एक्सेंट वगैरह पकड़ा है इनक्रेडिबल। उसके अलावा जो बाकी की तीन लड़कियां हैं उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंसेस जो दिए हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। भले वो एक लड़की थोड़ी विलनस नेगेटिव शेड वाली हो, बट उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो फिल्म है बहुत टाइट है, बहुत ग्रिपिंग है, बहुत हार्ड हिटिंग है, सबको बिल्कुल दिखनी चाहिए। अच्छा लग रहा है मुझे कि आज के दौर में एटलीस्ट ये फिल्म आ तो रही है, ठीक है, भले ही पहले नहीं आ पाती क्योंकि शायद से पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले शायद ये फिल्म आती तो आके चली जाती, हम शायद से वो एक भूली बिसरी फिल्म के मुताबिक उसे छोड़ दिया होता, बट आज सोशल मीडिया के दौर में इतने सेंसिटिव टॉपिक को लेकर फिल्म बनी है, ये इस फिल्म के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि शायद से सोशल मीडिया के थ्रू अब इस फिल्म की जो प्रमोशन होगी, जो इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ होगा वो अनप्रिडिक्टेबल होगा और डेफिनेटली इस फिल्म का जो ग्राफ है ये ऊपर ऊपर बढ़ते ही जाने वाला है। कोर्ट ने इस पर स्टे लाने से, इसको बैन करने से मना कर दिया है क्योंकि कोर्ट भी ये कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इसमें कुछ ऐसा तो नहीं दिखाया गया है जो हो नहीं रहा है, ठीक है। फिल्म मेकर खुद ये कह रहा है कि तीन रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड ये फिल्म है, एंड में दिखाया भी गए हैं उन रियल लाइफ कैरेक्टर्स को, तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी अगर इस चीज़ के अगेंस्ट कोर्ट में जा रहा है तो उसके पास कोई पॉइंट है कि ये झूठ है, क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ लीगली डॉक्यूमेंटेड है, तो इसमें आपत्ति लेने आपको तो बुरा लग सकता है क्योंकि आपके ऊपर ये उंगली उठ रही है, पर ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि आपके ऊपर पर्सनली उंगली नहीं उठ रही है, ये उन लोगों के ऊपर उंगली उठ रही है जो ये गलत काम कर रहे हैं, और भले ही आप उस विशेष समुदाय से बिलोंग करते हो बट लेकिन आपको तो इस फिल्म को भी देखना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि भैया क्यों कुछ लोग जो हैं, कुछ गिने चुने मुट्ठी भर के लोग पूरे समुदाय को ख़राब कर रहे हैं। तो ये आपको भी अपने अपने समुदाय में जाकर ये मैसेज देना चाहिए कि भैया ये देखो और समझो, हमारा नाम ख़राब हो रहा है पूरी दुनिया में।
थी उनकी एक्टिंग? वो अदा की जो अदायगी है वो बहुत ही अमेजिंग है, मैं आपको क्या बताऊँ। अदा शर्मा जी को हम देखते आए हैं, शी इज़ वेरी प्रिटी, और बाकी फिल्मों में हम देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा बड़े रोल नहीं होते, छोटे मोटे या कुछ ऐसे फॉरगेटेबल रोल्स होते हैं, बट वी ऑल न्यू कि वो कितनी शानदार एक्ट्रेस हैं। इस फिल्म में देख के बहुत अच्छा लगा कि 80% ऑफ द स्क्रीन टाइम उनका है, और जिस टाइप से उन्होंने अपने आप को एक मलयाली लड़की के किरदार में ढाला है, ओ माय गॉड, शी इज़ फैबुलस। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया हुआ है, जो उनका एक्सेंट है, जो उनके बात करने का लहजा है, वो उन्होंने इतना अच्छे से पकड़ा हुआ है कि आपको देख के लगेगा नहीं कि ये एक शर्मा लड़की है जो ये ऐसे एक मलयाली लड़की का किरदार निभा रही है। बहुत अच्छा काम किया है अदा शर्मा के अलावा जो बाकी तीन लड़कियाँ हैं, सिद्धि इदनानी है और बाकी की दो है, उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया है। जो दो तीन लड़के हैं नेगेटिव शेड्स में, उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस सबका अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, कॉस्ट्यूम और मेकअप डिपार्टमेंट ने भी अपना काम इतने अच्छे से किया है, क्योंकि ये लोग इतने नेचुरल लग रहे हैं स्क्रीन पर, तो आपको मेकअप इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो आप बाद में अदा शर्मा को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेकअप उसका कितना अच्छे से किया गया है, और आपको ट्रांजिशन दिखेगा उसके मेकअप में कि पहले कॉलेज में थी तब वो कैसी थी, और एंड तक जब वो पहुँच जाती है वहाँ पर तो उसकी शरीर की स्किन की हाथ की क्या हालत हो जाती है, तो आपको दिखता है कि वो एक मेकअप डिपार्टमेंट ने भी कितना अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल हर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। और देखिए फिल्म जो बनती है वो एक ऑर्केस्ट्रा होता है, वहाँ पे भले ही एक आदमी छन छन कर रहा हो या किसी कोई बड़ा गिटार बजा रहा हो, हर एक का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, सब मिलाकर ही एक धुन तैयार होती है। और यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का काम अच्छा जब हुआ है तभी जाके एक इतनी शानदार फिल्म बनी है। और मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ सुदीप्त सेन को कि इतनी टाइट इतनी ग्रिपिंग फिल्म बनाई है, और थैंक यू बोलना चाहता हूँ विपुल अमृतलाल शाह जी को कि इस सेंसिटिव टॉपिक पर फिल्म बनाने की उन्होंने हिम्मत रखी, और सभी कैरेक्टर्स को कि उन्होंने इसमें काम करने की भी हिम्मत दिखाई, क्योंकि इनका करियर भी स्टेक पर हो सकता है इस चीज़ के बाद, बट उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। तो आई सल्यूट देम एंड आई थैंक देम एंड आई विश टू सी मोर सच फिल्म्स और मोर सच सेंसिटिव टॉपिक्स इन इंडिया।